डीसीपी न्यूज डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। प्रीतम सिंह ने वर्तमान में चल रहे प्रदेश सरकार को मिडनाइट विकेट बताया। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विकास नगर तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार उस मिडनाइट विकेट विकेट की तरह चल रही है, जिसे रोकने के लिए चला जाता। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर ये भी सवाल उठाया कि विगत 4 सालों में सरकार ने विकास योजनाओं की घोषणा की है। सरकार ये भी बताए कि जो घोषणाएं कर रही है, पैसा कहां से लाएगी। सरकार दूसरी ओर किसानों के ऋण माफी को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि लोकायुक्त का गठन न होने पर सरकार पर सवाल उठाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि 2017 में भाजपा महंगाई को मुद्दे को लेकर सत्ता में आई थी। प्रदेश देश की जनता ने भाजपा को सत्ता में लाई थी। आज वही जनता महंगाई से किस तरह से त्रस्त है। पेट्रोल 100 के बाद डीजल 100 के आसपास, सरसों का तेल 200 से 250 के बीच है। इस समय जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है। नौजवान सरकार रोजगार मांग रहा है तो सरकार पुलिस के द्वारा कुचलने का प्रयास करती है। नेता प्रतिपक्ष चार धाम यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। पत्रकारों ने जब प्रीतम सिंह से पूछा कि यशपाल आर्य कांग्रेस में आए हैं, तो प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका पार्टी में स्वागत है। राजनीति में किसी भी पार्टी में किसी के लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होते। प्रीतम सिंह ने ये भी कहा कि सितंबर माह में जो परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उस यात्रा से पूरे उत्तराखंड में जन सहयोग मिला और लोगों का मन है परिवर्तन का। 2022 में हम सत्ता में आए। रिपोर्टर राहुल सिंह, संवाददाता डीसीपी न्यूज विकास नगर। परिस्थितियों में हम 60 से ज्यादा सीटें इस राज्य के अंदर जीतने जा रहे हैं। आपने कहा कि लोग आ रहे हैं, भाई राजनीति में ये तो होता ही है। यदि कोई आदमी जाता है और दूसरा आदमी आता भी तो है, वो आ रहे हैं उनका स्वागत। देखिए, सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों से ऋण माफी का वादा किया था, आय दुगना करने का वादा किया था। ये दोनों वादे तो सरकार भूल गई, लेकिन हम तो हमारे दो की तर्ज पर किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून सत्ता में बैठे हुए लोगों ने थोपने का काम किया, जिसका किसान पुरजोर तरीके से आज की तारीख में भी विरोध कर रहे हैं। लगभग 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के नाम पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने कांग्रेस जनों का आह्वान किया है कि कांग्रेस जन किसानों के साथ लापत करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करे। और आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी ने जो लखीमपुर खीरी की घटना है, उसके विरोध में इस तरीके से जंग लड़ने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जब किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम ये राजनीति में हार जीत एक सीखने के दो पहलू होते हैं। अगर हम 11 पे हैं तो हम 60 या 70 पर पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं।